नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने धार जिले के विकास खंड डही में 1,085,20,00,000 रुपए लागत की माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास करते हुए कहा कि यह योजना आदिवासी समाज के नायक टंकिया भील के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सहज सरल और मेहनतकश है। इस समाज को वर्षों तक छला गया है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। श्री कमलनाथ ने कहा कि आदिवासी समाज के साथ मिलकर हम सब प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा में पुलिसकर्मियों के नव निर्मित आवासों का लोकार्पण करते हुए कहा कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग नई तकनीक का उपयोग कर आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि यही वो दो विभाग है जो शासन प्रशासन की बेहतर छवि के प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के समक्ष प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्रालय में राज्य सरकार और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू के तहत मध्य प्रदेश आरोग्यम हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से प्रदेश की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज के 20वें अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता का उपयोग समाज और देश हित में करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति इस देश को सुरक्षित रखने और समृद्ध बनाने में सक्षम है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर विकास खंड राजगढ़ के ग्राम पीपरा में 30,21,00,000 रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले कार्यों का भूमि पूजन किया। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि पीपरा क्षेत्र के विकास एवं पेयजल संकट को देखते हुए कड़ान नदी परियोजना में पीपरा सहित आसपास के 14 ग्रामों को जोड़ा जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने दमोह में 5 करोड़ की सड़कों, 60 लाख के रैन बसेरों, 78 लाख के फुटेरा तालाब लेक व्यू रोड, 31 करोड़ 22 लाख की आवास योजना और स्वीकृत बीएलसी भवन और 98 लाख की लागत के विधायक निधि से स्वीकृत कुल 38 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने बस स्टैंड के सौंदर्यकरण के लिए 6,50,00,000 रुपए स्वीकृत करने की भी घोषणा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।